हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज है 30 तारीख, नवंबर का 30 तारीख, ठीक है। और दिसंबर का 3 तारीख से हमारा सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। और आज थोड़ा बहुत स्पेशल है क्योंकि आज बहुत दूर से कोई मेरे यहाँ आने वाली है, मतलब आ रही है। सो अभी पढ़ाई के सिलसिले में कुछ है जिसके लिए मुझे उसकी ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात यह है, वो मुझे वहाँ पे बुला सकती थी लेकिन वो खुद आ रही है। सो अभी शायद मैंने उसको कॉल किया लेकिन वो अभी फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद से वो भीड़ इलाके में होगा। ए गाइस, अभी बज रहा है सुबह के 10:43 और मैंने उसको फ़ोन किया जो आ रहा है, तो उसने बोला कि वो ट्रेन में चढ़ चुका है, अभी वो एक घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच जाएगा। और वो कौन है, वो कोई स्पेशल कोई है, तो मैं आपको उससे मिलाऊंगा लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जस्ट जैसे कि बोला मैं सो के उठा, अभी मैं ब्रश करूँगा, खाना खाऊँगा और उसके बाद उसके आने का वेट करूँगा, फिर उसको आने देते हैं, उसके बाद मिला था आप लोगों से। और क्यों आ रही है, क्या है, जो भी है आप लोगों को दिख जाएगा इस ब्लॉग में। सो लेट्स गो। तो मैंने अपना हाथ मुंह धो लिया और ब्रश भी कर लिया और अभी टाइम है खाना खाने की। सो हियर इज द फूड। और एक्चुअली बात ऐसी है कि आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले भी बहुत से ब्लॉग्स में बताया ऐसा कि मेरे मम्मी, मेरे पापा ये सब मेरा खाना पहले से उतार के रखते हैं, क्योंकि बाद में तो मेरे को खाना मतलब निकाल के खाना होता नहीं है, ठीक है, खुद से। तो ये लोग पहले से मेरा खाना निकल के रख देते हैं और जब मतलब मैं उठता हूँ उसके बाद फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, मतलब खाना खाता हूँ, क्योंकि मेरे को खाना पहले से ये लोग सर्व करके रखते हैं, वरना मेरे को खाना नहीं होता, मतलब खाना नहीं होता, खाना आलसी हूँ, आलस से भरा हुआ हूँ, समझ रहे हो। तो और आने वाले टाइम में आप लोगों को मेरा कॉलेज ब्लॉग्स भी देखने को मिलेगा। कॉलेज ब्लॉग्स कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 3 तारीख से मेरा सेमेस्टर है, सो कॉलेज का ब्लॉग भी आप लोगों को मिलने वाला है। सो जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर लेना, और जो दोस्त आ रही है उससे भी मैं आपको मिलाऊँगा। तो उससे पहले खाना फिनिश करते हैं, चलो। तो गाइस, अभी तो मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैंने उससे फ़ोन पे बात की थी तो वो बोल रहे हैं कि वो ट्रेन में चढ़ चुकी है और एक घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ पे पहुँचने वाली है, ठीक है। तो खाना को फिनिश करते हैं और जब वो आती है तब आप लोगों को भी उससे मिलाते हैं, चलो। सो गाइस, मेरी उससे बात हुई, ठीक है, और सोचा कि आप लोगों से तब तक थोड़ी बहुत बातें कर ले। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, पूरे साल हमारे कॉलेज में अटेंडेंस नहीं रहता, ठीक है, क्यों, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ऐसा मत सोचना कि कॉलेज जाते नहीं है। कॉलेज में मतलब 80% मतलब जॉब कैंडिडेट्स है, ठीक है, मतलब जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं ना, 80% से ऊपर सब के सब जॉब कैंडिडेट्स है, और जितने मतलब सारे के सारे जॉब करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो वो लोग तो कॉलेज में आते नहीं हैं, नहीं आ पाता, क्योंकि वो लोग डिस्टेंस में करते हैं, और जो लोग डिस्टेंस में करते हैं वो लोग कॉलेज में आते नहीं, क्योंकि उनको जॉब रहता है। और जो बाकी बचे 15-20% जो स्टूडेंट है जो डिस्टेंस में नहीं करते, जो मतलब जॉब नहीं करते सिर्फ कॉलेज करते हैं, जैसे कि उनमें से मैं भी आता हूँ, तो मेरे जैसे मतलब 15-20% बोलना भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, 7-8 जन ऐसे हैं जो कि डिस्टेंस में नहीं करते, ठीक है, मतलब जॉब नहीं करते, मेरी तरह 7-8 जन है, 10 जन भी नहीं है, 7-8 जन है जो जॉब नहीं करते। तो और वो 7-8 जन भी दूर दूर है, नज़दीक में सिर्फ मैं अकेला हूँ, अकेला, ठीक है, मेरे घर से कॉलेज का डिस्टेंस है
मोटा मोटा 40 से 45 मिनट, ठीक है, मतलब 1 घंटे से भी कम समय में मेरे नज़दीक कॉलेज है, लेकिन बाद बाकी जितने भी सारे हैं सबके सब किसी के 1.5 2 घंटा 3 घंटा ऐसे आने में लगता है कॉलेज, तो मैक्सिमम लोग कॉलेज को नहीं आते, ठीक है, तो उन लोगों की वजह से मैं भी नहीं जा पाता, क्योंकि अकेला इंसान कॉलेज में कौन ही जाएगा, तो ऐसे कॉलेज नहीं, मतलब कॉलेज नहीं जाना हो पाया और क्लासेस भी नहीं हुए ऐसे, और सामने एग्ज़ाम चला आया, अभी एग्ज़ाम और कोई एक्स्ट्रा ट्यूशंस तो मैं लेता नहीं, अब या फिर मैक्सिमम कोई भी नहीं लेता, ठीक है, कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा ट्यूशंस नहीं लेता, तो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा ना, तो एग्ज़ाम देने के लिए अभी हम लोगों ने क्या किया, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो जो कि उसने जो आ रहा है यहाँ पे, तो उसने कुछ कॉमन क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, ठीक है, एग्ज़ाम के हम इंजीनियर्स लोग भाई साहब हमें बैक बेंचर्स, ठीक है, हम लोग फ्रंट बेंचर्स नहीं है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था लेकिन उसके ऊपर बैक बेंचर भी है, तो हम लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से हम लोग चैप्टर्स क्लियर करना चालू करते हैं, और कुछ पढ़ेंगे कुछ लेके जाएंगे, तो ऐसा ही होगा, अभी मॉम फ़ोन कर रही है, उनका फ़ोन अटेंड करते हैं। उसने मेरे को फ़ोन किया और वो आ चुकी है और मैं उसको अभी रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ, तो जाते हैं उसके पास, आप लोगों को भी उससे मिलाते हैं, ठीक है, चलो। अभी इसी ट्रेन से उतरेगी। ये कौन है? गाइस मिल चुके हैं फाइनली, देखो ये कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ से उठा के लेके आए, मैंने जीनी देख लिया, यहाँ पर जीनी देख लिया, जेक्स तो बंद खुद ही खोज करता हूँ, हाँ बड़े ही दिखी, इन लोग खोज करता हूँ, आगे थोड़ी है लोग, एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो वहाँ पे खड़ी है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, थोड़ा 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 दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा जिन लोगों को समझ है वो लोग समझ जाएंगे, और जिन लोगों को समझ नहीं है वो ना समझे कोई अच्छा है, तो वो पीछे खड़ी है, विदेश से उठा के लाया है, विदेश से घर पे जब लेके जाएंगे तब आपको अच्छे से उससे मिलाएंगे, ठीक है। गाइस देखो हमारे पास हम लोग अभी घर में आ चुके हैं, थोड़ा बहुत फैन चल रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है, और ये इस फ्रेम में आप क्या देख पा रहे हैं, जो कॉलेज के लोग हैं वही समझ पाएंगे, गाइस अभी तक हम लोग बहुत सारा काम कर रहे थे और अभी हम लोग वापस चलने की तैयारी कर रहे हैं, मैं इसको बोला कि ये रुक जा आज ठहर जा, लेकिन नहीं रहेगी, अब आप इसको देखो सही से अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के लिए रुके थे, पढ़ाई कर लिया, अब ये जा रही है और मैं इसको स्टेशन के लिए मैं पता छोड़ के छोड़ने जाऊंगा, आप लोग मुझे क्यों देखोगे, अभी जैसे इसको देखोगे, चलो अभी अभी निकलने वाले हैं, तो लेट्स गो, और मैंने इसको बोला रुक जाओ खाना खा लो, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मुझे मेरे को खड़े जाना है, मुझे घर जाना है, इसको कैमरा से कितना लाज आता है, कैमरा फोबिया जा पारे सब फोबिया एग्जाम फोबिया और चलो अभी इसको हम स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए हैं और आप देख सकते हैं कि वो पीछे खड़ी है, लोगों के बीच में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, ठीक है, सॉरी ये देखो गाइस, ये देखो वहाँ पे कहाँ से आई है, कितने दूर से, विदेश से आई है,
इसको यहाँ से छोड़ देते हैं और इसको अलविदा अलविदा एग्जाम के दिन फिर से मिलेंगे। एग्जाम 3 तारीख को एग्जाम है, फिर उस दिन मिलेंगे। और वो जा रही है, वो देखो टाटा टाटा। तो गाइस अभी ट्रेन छोड़ने वाला है और ये निकल रही है, चलो टाटा। तो ये निकल चुकी है और हम भी, हम लोग निकल रहे हैं, चलो सीधा घर जाते हैं, घर से बात करते हैं, चलो। सो गाइस वो तो जा चुकी है और आप लोगों को भी उससे मिलाया, और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से, अगर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पुराने हैं देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में लाता रहूँगा और लाने की कोशिश भी मैं कर ही रहा हूँ। और थोड़ी बहुत ग्रुप स्टडी कर रहे थे क्योंकि सामने एग्ज़ाम है, और अभी कमरे का कुछ ऐसा हाल है। और दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। और दिस इज डब्ल्यू बी डायरेक्टर साइनिंग ऑफ मिल दर्शन इज ब्रॉट में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ। Change up.